The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman saves the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as the girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Hello friends, main hoon Shakti aur aap dekh rahe hain informative banda. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी विमेंस डे. आज अगर हम लोग अपने चारों तरफ देखें तो आपको फीमेल्स भी दिख जाएंगी हर जगह हर फील्ड में मेल्स की तरह. फिर भी क्यों जरूरत पड़ जाती है ऐसे अलग से विमेंस डे सेलिब्रेट करने की? क्यों हम पूरे वर्ल्ड में ऐसे 8 मार्च को स्पेशली विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि अगर काउंट करें तो इनकी गिनती कितनी होगी? वुमेन जो पॉपुलेशन का 50% हिस्सा है, क्या ये रेशियो हर जगह हर फील्ड में सेम है? क्या लड़कियों को भी लड़कों के बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है हर फील्ड में, खास करके इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहां पे इक्वलिटी एक एक्सेप्शन है, एक प्रिविलेज है, एक्चुअली एक विशेषाधिकार है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं इस टॉपिक पे बात कर पा रही हूँ. आप एक सिंपल चीज सोचो ना, अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और फैमिली दोनों बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो बेटे को पढ़ाती बिना किसी सेकेंड थॉट के कि वो बेटे को पढ़ाए या बेटी को पढ़ाए. और वो लड़की रोज खाना बनाते हुए अपने भाई को स्कूल जाते हुए देखती है. अभी भी कई जगहों पे बेसिक ह्यूमन राइट्स और हेल्थ केयर औरतों को नहीं मिलती है. शोषण, अब्यूज, गाली, हिंसा जैसी चीजों का भी सामना करना पड़ता है. लास्ट 2 दशकों की बात करें तो थोड़ी जागरूकता भी आई है और हमने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां लड़कियों ने ये प्रूफ किया है कि आप कितनी भी तकलीफ में हो, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, कितना भी मुश्किल लग रहा हो, पर आपको हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है और जीत आपकी होगी, आपके विल पावर की होगी. तो आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रेरणाओं से. एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल, जब वो 15 साल की थी तो एक 32 साल के व्यक्ति ने उनपे एसिड डालकर उनका चेहरा खराब कर दिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया था. ऐसी घटना के बाद कोई भी आम इंसान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से असंतुलित हो जाता है, पर लक्ष्मी ने असंतुलित होने की बजाय आगे बढ़ने की ठानी. उन्होंने स्टॉप सेल एसिड नामक आंदोलन के जरिए एसिड के खुलेआम बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें सफलता भी मिली. इसके साथ ही लक्ष्मी महिला और बाल विकास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता अभियान जैसे बहुत अभियानों पे काम कर रही है, जिसके लिए उन्हें यूनिसेफ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण के लिए अवार्ड भी मिला 2019 में. और 2020 में उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म रिलीज हुई, छपा. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग और दुनिया की पहली महिला दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा, जब एक बार ट्रेन में सफर कर रही थी तो कुछ लुटेरों ने उनकी चेन और बैग खींचने की कोशिश की. मना करने पर और विरोध करने पर उन्हें ट्रेन के बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उनके ऊपर से एक दूसरी ट्रेन गुजर गई. क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं उनकी हालत का? उन्होंने अपना एक पैर तो खो ही दिया, दूसरे पैर में भी रॉड लगाना पड़ा और रीढ़ की हड्डी में भी कई फ्रैक्चर्स आए. फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बदला. उनका सपना जो हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय झंडा लहराने का था, वो कायम रखा और 2019 में अंटार्कटिका के माउंट विंसन में अपने भारत का झंडा लहराया भी और अपने मिशन को कम्प्लीट किया. मदर ऑफ ऑर्फन्स, अनाथों की माँ सिंधु ताई. उनके पिता एक चरवाहा थे जो पशुओं को चराया करते थे और उन्हें चिंदी कहकर बुलाया करते थे, जिसका अर्थ होता है फटे पुराने कपड़ों का टुकड़ा, चिंदी. उनके 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी 30 साल के उम्र के एक व्यक्ति से. और जब वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, मतलब 9 मंथ्स प्रेग्नेंट विथ हर 4th बेबी, उनके पति ने उन्हें मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपनी बच्ची को एक गौशाला में जन्म दिया. पेट पालने के लिए वो रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करती थी और खुद को सुरक्षित रखने के लिए रात में शमशान में जाकर सोया करती थी. आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी हालत का. पर रेलवे स्टेशन पे ही भीख मांगते मांगते उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको माँ की जरूरत है. और तभी उन्होंने इस ओर अपना काम करना शुरू किया. उनके दिशाहीन जिंदगी को एक नया दिशा मिला और वो जुट गए इस काम को आगे बढ़ाने में. उन्होंने 1050 बच्चों को गोद लिया, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और वकील बन चुके हैं और उनकी फैमिली बहुत बड़ी हो गई है. उन्हें नारी सशक्तिकरण के लिए इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन वुमेन अवार्ड मिला, नारी शक्ति का.
कई एग्जाम्पल्स हम अपने आसपास देखते हैं जिनकी जिंदगी, या यूं कहें कि जिंदगी के प्रति उनका नजरिया ये एहसास दिलाता है कि आपकी किस्मत कितनी भी बुरी हो, आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानी हो, या कुछ भी ऐसा जो आपको छोटा और आपकी मुश्किलों को बड़ा बनाता है, तो आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। मुश्किलें आसान होती जाएंगी और जीत आपकी होगी, आपके विल पावर की होगी, आपके विश्वास की होगी, वो विश्वास जो आपको खुद पे होगा। मेरी सभी से ये गुजारिश है कि अपने स्तर से हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, जिसे झेलता है समाज का ये दूसरा आधा हिस्सा हर दिन। बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें काबिल बनाएं, क्योंकि इससे न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा समाज सशक्त होता है, इकोनॉमी सशक्त होती है, उसकी पढ़ाई से हम सभी आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था, Being human is given, but keeping humanity is a choice. इंसान तो हम सब बनकर आते हैं, पर इंसानियत कायम रखना हमारी choice है। तो let's choose humanity now. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंसानियत की ओर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं महिलाओं के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की ओर। Once again, happy Women's Day and let's hope for the best. Bye.